डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ जीवन बिता रहे होंगे। दोस्तों, ये वेडनेसडे का ब्लॉग है, हो रही है मॉर्निंग के बज रहे हैं 5। आज मैं जिम नहीं जाऊंगी। जिम ना जाने का कारण है कि ट्यूसडे को मेरा लेग वर्कआउट होता है, तो मुझे उससे अगले दिन एक ब्रेक चाहिए होती है। मीन्स मेरा हफ्ते में 2 दिन लेग वर्कआउट होता है, एक ट्यूसडे को और एक सैटरडे को। और वैसे भी वेडनेसडे को मुझे हेयर पैक लगाना होता है, क्योंकि ट्यूसडे की नाइट को मैं लगाती हूँ हेयर ऑयल, और सैटरडे की नाइट को भी लगाती हूँ। हफ्ते में 2 बार लगाती हूँ हेयर ऑयल। तो अभी मुझे बनानी है, पहले मैं निकाल रही थी दही के ऊपर से जो मलाई की लेयर है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि उस मलाई की लेयर को निकाल लिया करो जिस मलाई वाले बर्तन में आप मलाई इकट्ठी करते हो, ताकि आपका अच्छे से मक्खन और घी बढ़िया से बन जाए। तो अभी मुझे बनानी है जी भिंडी। ये मेरी किचन गार्डन की भिंडी है। तो भगवान के नाम के साथ ही दिन के सारे कामों की शुरुआत करेंगे। तो मैंने भिंडी कट करके रख ली है, थोड़ी सी मेरे पास गवार की फली है। गवार की फली और भिंडी को हम बिल्कुल ही सिंपली तरीके से बनाते हैं। थोड़े से तेल में थोड़ी सी राई डाल ली, थोड़े लहसुन, थोड़ी मिर्च, बस इसी को सौटे कर लिया। ऐसे ही भिंडी बनाऊंगी, भिंडी में लेकिन राई नहीं डालूंगी, सिर्फ लहसुन, मिर्च और नमक ही डालूंगी इसमें। और इसके अलावा कोई भी मसाला, प्याज वगैरह ऐड नहीं करती हूँ। सिंपल तरीके से ही मैं ये दोनों ही सब्जियाँ बनाती हूँ। ऑलमोस्ट सारी ही मेरी जो कुकिंग है बहुत ही सिंपलेस्ट वे में होती हैं, डाइजेस्टिव होती हैं, ताकि जो न्यूट्रिशन है जो भी फूड आइटम्स का, वो हमारी बॉडी को इनटेक हो सके। दोनों सब्जियों को मैंने बना दिया और अब मैं लगाने लगी हूँ हेयर पैक, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच चावल, 1 चम्मच अलसी के बीज और थोड़ी सी साबुत काली मिर्चों के दानों को चाय पत्ती के पानी में रात को सो करके रख दिया था। अब इन सारी चीज़ों को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर थोड़े से प्याज, मतलब कि 2 प्याज मैंने लिए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे लाल वाले प्याज लिए हैं, और छोटा ही लीफ लिया है एलोवेरा का। इसमें से कट करके थोड़ा सा मैं निकाल लूँगी जेल। जब भी एलोवेरा यूज़ करें उसको प्लांट से कट करके आधा घंटा पहला ही रख दें, ताकि उसका जो येलोइश पार्ट, जो जेलिश पार्ट है ना, वो यूज़ नहीं करना हो तो उसको निकाल दें। अब सारी चीज़ों को अच्छे से पेस्ट बनाकर पूरे स्कैल्प में, पहले अच्छे से स्कैल्प में लगाना है, उसके बाद जो बच जाता है उसको फिर हेयर लेंथ पे लगाना। अब इसको लगाकर छोड़ दूंगी 2 घंटे के लिए। तो साथ ही साथ कर लेती हूँ स्किन केयर। स्किन केयर के लिए ले रही हूँ यहाँ पर पोटैटो। पोटैटो का हाफ कट कर लिया, इसको अच्छे से पहले वॉश कर लिया, फिर नाइफ से छोटे छोटे इस पर कट लगा लिए। कट लगाने का मकसद है कि इसमें से रस निकालना है, वो चाहे आप कद्दूकस भी कर सकते हो या मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पेस्ट निकालो, लेकिन वो मुझे ज़्यादा तामझाम लगता है, ये मुझे आसान तरीका लगता है। जैसे जैसे अपने फेस पर लगाती जाती हूँ, रस मेरे फेस पर पूरा लगता जाता है, तो दोबारा फिर इससे कट लगा लेती हूँ, ताकि उसका रस पूरा मेरे फेस को कवर कर जाए। तो सिस्टर अभी वॉक करके आ गई है, बच्चे भी वॉक करने गए हुए हैं, मैं ही नहीं जाती हूँ, बाकी तो मेरे घर के सारे ही फैमिली मेम्बर्स अपना वॉक करने लिए जाते हैं। तो अभी ये सब्जी भिंडी भी बन गई है और गवार की फली बन गई हूँ, उनको मैं निकाल रही हूँ छोटे छोटे बर्तनों में, कटोरी और यहाँ पर भगोने में, ताकि वो बर्तन धुल के साइड में कर दिए जाएँ। और यहाँ पर बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी। आलू में ना पोटेंशियल बहुत ज़्यादा मात्रा में है, या फेस पर जितने भी छोटे मोटे जो दाग होते हैं ना, उनको ये धीरे धीरे करके रिमूव कर देता है। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, मेरा जो घर है ईस्ट फेसिंग है, तो सूरज देवता 6 बजे ही चमकने लग जाते हैं मेरी किचन की खिड़की पर, लेकिन जो गर्मियों की धूप होती है बर्दाश्त नहीं होती, तो इसीलिए हमने ना ग्रीन शीट लगाई, उससे हमारे दोनों पर्पस हल हो जाते हैं। बच्चे भी यहाँ पर वॉक करके आ गए हैं, तो दोनों पर्पस हल हो जाते हैं, एक तो हमारी किचन की खिड़की जो ग्लास है वो कवर हो जाता है, और दूसरा हमारे जो पौधे हैं वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो आलू मटर की सब्जी बन गई, गवार की फली बन गई है, मैंने हेयर पैक लगा ली, भिंडी की सब्जी बन गई है। तो आज जी मैंने 1/3 छुट्टी ली हुई है, मतलब कि मुझे 10 बजे स्कूल पहुंचना है, क्योंकि है आज पीटीएम, तो पीटीएम अटेंड करने के लिए बच्चों के स्कूल जाना है। तो काम उधर किचन का कंप्लीट हो गया, तो ये मेरा गेस्ट रूम। ये गेस्ट रूम थोड़ा मेरा बिखरा इसलिए रहता है, मैसी इसीलिए रहता है, क्योंकि बच्चे ना यहाँ पर कुछ ना कुछ आकर बैठ जाते हैं, अपना अनिकेत कुछ ब्लॉक्स निकाल लेता है, या उसके छोटे मोटे जो चेस हैं या कैरम बोर्ड वो खेल लेता है। बच्चे क्या करते हैं, बैडमिंटन किट यहाँ पर लाकर फेंक देते हैं। तो इसकी बारी तब आती है जब कोई आने वाला होता है घर पर। मुझे लगा कि आज बाकी घर तो डस्टिंग की जरूरत है नहीं, इसी रूम को अच्छे से क्लीन कर दूँ, क्योंकि डस्टिंग करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि अगर डस्ट ज़्यादा हो जाए ना वो जम जाती है, तो मेहनत भी डबल लगेगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा।
तो मेरे पास अभी 2 घंटे हैं, तो खाना मेरा लगभग बन चुका है सुबह का और दोपहर का। तो अभी टाइम है क्योंकि मैं 9 बजे घर से निकलूंगी, क्योंकि जिस तरफ मेरे बच्चों का स्कूल है उसी तरफ मेरा स्कूल है, वहाँ से मीटिंग अटेंड करके फिर मैं घर वापस नहीं आऊँगी। लंच अपना पैक कर लिया है मैंने, तो उधर से ही अपने स्कूल चली जाऊँगी। तो इसीलिए अभी मैं उस टाइम को यूटिलाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि नीचे सिस्टर किचन में बना रही है पराठे और फुलके, तो अभी हेल्पर आई नहीं, झाड़ पोछा वो लगा देगी, उससे आने से पहले पहले डस्टिंग हो जाएगी तो बेटर रहेगा। बच्चे मेरे साथ पीटीएम अटेंड करने नहीं जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे कहते हैं कि हमने अपनी वर्कशीट्स देख ली हैं, आप ही देख लो, तो मेरा टाइम वो भी बच जाता है, क्योंकि एक बार उनको साथ लेके जाऊँगी, वापस उनको ड्रॉप करूँगी, फिर अपने स्कूल जाऊँगी, तो इसीलिए टाइम मेरे पास और बच जाता है, उसमें ज़्यादा काम मैं कर लूँगी। हस्बैंड के लिए फ्रूट और सैलड उनको कट करके रखाई थी, कई बार वो खुद भी कट कर लेते हैं अगर उनके पास टाइम हो। तो इस ग्रीन शीट्स को हम सुबह डाउन कर देते हैं, तो उसके बाद जब स्कूल से वापस आते हैं लगभग 1-2 बजे के करीब, यार सिस्टर भी कर देती हैं या फिर हम लोग ही इसको ऊपर कर देते हैं, तो इससे हमारे पौधे बच जाते हैं और जो किचन की खिड़की पर धूप बहुत तेज़ आती है ना, उससे भी हमको राहत मिल जाती है। तो ये कुछ हार्ड प्लांट हमारी जो बालकोनी में रखे हुए हैं, तो ये पौधे वही रखे हैं जो कि पूरे वेदर में, चाहे वो गर्मी है, सर्दी है, बसंत है, पतझड़ में, उसमें ये सर्वाइव कर जाएं। अगर वो दूसरे पौधे रखेंगे ना, तो यहाँ पर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो मुरझाए रहेंगे और ख़राब हो जाएंगे, और देखने में भी बालकोनी की लुक अच्छी नहीं आएगी। तो अभी फिर आ गई, उसको गद्दे को अच्छे से झाड़ दिया था, फिर बेडशीट यहाँ बिछा दी थी। सिस्टर ने भी जाना है अटेंड करने के लिए पीटीएम, लेकिन वो अद्विका को बच्चों के पास और डडजी के पास छोड़ के चली जाएगी, अनिकेत को साथ ले जाएगी, 1/2 घंटे वापस आ जाए, उससे पहले पहले मैं घर पे ही रहूँगी। जब वो वापस आ जाएगी ना 9:15 के करीब, तभी मैं घर से जाऊँगी। तो ये है मेरा वॉशिंग एरिया, तो यहाँ पर भी मतलब जहाँ जो खुला एरिया होता है ना, वहाँ तो डस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो ये सारा खुला एरिया है, यहाँ पर तो डस्टिंग अगर हर दूसरे तीसरे दिन कर लो ना, तब भी कम पड़ेगी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, गर्मी की छुट्टियां कल से स्टार्ट होने वाली है, तो फिर प्लानिंग करते हैं कब क्या करना है। तो यहाँ पर मैं अपना एक सूट भी प्रेस कर रही हूँ, तो मेरे पास आ रही है वो लाइट शेड वाले सूट थे, मैंने कहा चलो आज डार्क शेड वाला ये सूट पहनती हूँ, या येलो कलर का सूट, थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी वर्क है, इसी को पहनने के लिए मैंने निकाला है। तो ये आयरन नहीं था अच्छे से, तो इसी के लिए यहाँ पर आयरन कर रही हूँ, बस पहन लूँगी, नहा लूँगी, नहा कर मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। पूजा करके फिर मैं हो जाऊंगी रेडी, आज मैं ब्रेकफास्ट भी करके जाऊंगी, क्योंकि मैं लगभग 9 बजे के करीब ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, टाइमली ही सारा खाना खाती हूँ। जैसे 9 बजे ब्रेकफास्ट कर लिया, 11:30-12 बजे मेरा जो मिड मॉर्निंग का फ्रूट होता है, लंच मेरा 2 बजे होता है। तो रेडी हो गई जी, बज गए हैं 9:10 हो गए हैं, तो अभी सिस्टर आने वाली हैं, तो मैंने बच्चों को अद्विका को पकड़ा दिया है और मैं जाने लगी हूँ अपने स्कूल। तो लंच बैग भी मैंने पैक कर लिया था, तो अब मैं जा रही हूँ बाहर, डैडी जी बाहर थे, उनको भी कह दिया कि आप अंदर आ जाओ, अभी सिस्टर वापस नहीं आई है, तो उसके आने के बाद ही आप जाना। उनका वो किचन गार्डन फेवरेट है, बस वहीं पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, वहीं अपना उनका काम है, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ करते रहो ना तभी लाइफ है, अगर ऐसे ही खाली बैठे रहेंगे तो मेरा टाइम स्पेंड नहीं होगा, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। तो इसीलिए उनको ये सुकून देती हैं चीज़ें और हमको हेल्प हो जाती है, क्योंकि उनको नॉलेज है इन सारे कामों की, हमको इतनी नॉलेज नहीं है, बस उनको देख देख के करते हुए सीख रहे हैं। तो आ गई हूँ मैं यहाँ पर पीटीएम अटेंड करने के लिए बच्चों के स्कूल। जैसा कि सारे ही स्कूल्स में होता है कि एंट्री गेट पर रजिस्टर में एंट्री करने के बाद ही आपको स्कूल के अंदर जाने की परमिशन होती है, तो आगे मैंने शूट नहीं किया था। तो अभी जी बच्चों को लेने आई हूँ उनके बैडमिंटन कोर्ट से 4 बजे, क्योंकि उनके कोच सर ने बोला है कि पूरा जून का जो महीना है बच्चों का कैंप लगेगा, बच्चों ने 11 बजे आना है और 4 बजे यहाँ से आपने लेके जाना है, एक्स्ट्रा इनकी ट्रेनिंग चलेगी क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन आने वाले हैं, तो मुझे भी बच्चों को टाइम ज़्यादा देना है, बच्चों को भी ज़्यादा टाइम निकालना है, तो मैं यहाँ पर बच्चों को लेने आई हूँ 4 बजे। आप यहाँ कोर्ट देख सकते हो, यहाँ पर एक टाइम पर मतलब कि 4 बच्चे ही खेल सकते हैं, मतलब कि पेयर वाली ही गेम होती हैं, तो 2 जोड़ियाँ ही एक टाइम पे खेल सकते हैं, बाकी बच्चे यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं डिफरेंट टाइप की जो एक्सरसाइज हैं मसल्स की इम्प्रूवमेंट के लिए। तो एक मैंने कहा चलो अपने अपने व्यूअर्स को मैं एक अपना जो बैडमिंटन कोर्ट का व्यू दिखा दूं कि कैसा है, यहाँ पर बहुत अच्छा बना हुआ है, इनके कोचर बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर देवांशी की पिक्स भी लगाई हुई है जब वो डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन और स्टेट कंपटीशन में विनर रही है।
उन्होंने यहाँ पर नोटिस बोर्ड पे लगाई थी, तो मैंने इनको सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। तो मैंने कहा चलो इसको ब्लॉग में ऐड करूँगी, तो आपको भी दिखाऊँगी कि बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो इनमें ना पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, पता नहीं ये जनरेशन बहुत फास्ट है, बहुत एडवांस्ड है। तो इन कैपेबिलिटी को आपको भी अपने बच्चों में पहचाननी चाहिए, उनको किसी न किसी एक्टिविटी में ज़रूर आप लगाओ। तो फिर बच्चों को लाने के बाद मैंने बताया था कि मेरी मम्मा ने जाना है गांव, तो उनको यहाँ पर स्टेशन पे मैं ड्रॉप करने के लिए आई हूँ। बारिश बहुत हुई है यहाँ पर, सारी जगह ही पानी फैला हुआ है, और मेरी मम्मी के नी ट्रांसप्लांट हुए हुए हैं, उनके जो दोनों घुटने हैं ना उनका ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई हुई है, तो इसीलिए उनको बड़े ही आराम से चलना पड़ता है, पैर बिल्कुल भी ना स्लिप नहीं होना चाहिए। यहाँ मम्मी बैठे हैं, ब्रदर बैठा हुआ है। तो अभी अनाउंसमेंट हुई थी कि जो गाड़ी आ रही है लुधियाना जाने के लिए वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ रही है, तो हम इस ट्रेन से निकल के दूसरे स्टेशन दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। तो इसमें थोड़ी मम्मी को प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो बिल्कुल भी झुक नहीं सकती, उनका पैर बिल्कुल भी स्लिप नहीं होना चाहिए। तो मम्मा को वहाँ पर ड्रॉप करके उनको भेज कर फिर आगे। बारिश और गुलगुले का जो रिश्ता है ये पता नहीं किसने बनाया है, लेकिन सबको ये अच्छा लगता है। तो जब मैं स्कूल से आई थी ना तभी मैंने गुड़ को भिगो दिया था पानी में, तो सोचा था कि आकर फिर मैं गुलगुले बना लूँगी। तो साथ ही साथ यहाँ पर गुलगुले भी फ्राई कर रही हूँ और साथ ही साथ अपना जो डिनर की तैयारी भी कर रही हूँ। डिनर में बना रही हूँ यहाँ पर आलू बैंगन की सब्ज़ी, जो वाइट बैंगन जो मेरे किचन गार्डन में लगे हैं वो वाली सब्ज़ी, और मूंग दाल और चावल और चपाती। तो मैंने कहा चलो अभी तो खाने का टाइम हुआ नहीं, मतलब कि डिनर का टाइम नहीं है, अभी तो गुलगुले का टाइम है, सब लोग गर्मा गर्म खा लो। तो ये तकरीबन टाइम होगा 6:30-7 का टाइम था, तब सबको गुलगुले दे रही थी। और यहाँ पर आलू बैंगन दोनों कट करके पानी में रखे थे, क्योंकि बैंगन अगर पानी में ना रखो ना तो वो काले पड़ जाते हैं। तो दाल जो मूँग की थी वो यहाँ पर मैंने बॉयल करके